हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और हम भी सब ठीक हैं। तो आज हम बनाने वाले हैं चटनी। तो आज हम चटनी बनाने की रेसिपी आपसे शेयर करेंगे और इसी के साथ हमने ले लिया है भंगीरा, जो कि हमारे पहाड़ों से आया हुआ है और ये उत्तराखंड में इसकी चटनी सबसे ज़्यादा बनाई जाती है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। तो सबसे पहले हम इसे एक वाइट प्लेट में लेके बिल्कुल साफ़ कर लेंगे ताकि इसमें कोई मिट्टी ना हो, और इसके कवर बहुत अच्छे से हम साफ़ कर लेंगे। कूड़ा जो भी है वो हम अलग कर लेंगे। और साथ ही हमने ले लिया है तवा। आपने तवा लेके इसे गर्म करने के लिए रख देना है और थोड़ी देर हमने इसे भून लेना है, मतलब रोस्ट कर लेना है थोड़ी देर ही। हम इसे लो फ्लेम पे रोस्ट करेंगे और रोस्ट करते ही हमें अच्छी सी खुशबू इससे आने लगेगी। तो हमने कर लेनी है गैस की फ्लेम ऑफ़। गैस की फ्लेम ऑफ़ करने के बाद हम इसे ठंडा करने के लिए फिर से प्लेट में रख देंगे और साथ ही हम और चीज़ों की तैयारी कर लेंगे। इसमें जो भी हमने और चीज़ें ऐड करनी है उसकी हम तैयारी कर लेंगे। ये हमने एक प्लेट में ले लिए हैं अपने सारे मसाले, जिसमें कि हरी मिर्ची है, लहसुन की कुछ कलियां और अदरक हमने छिल के रख लिया है। साथ ही इसमें हमने ऐड किया है थोड़ा सा हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़े से और मसाले, जिसके साथ अजवाइन और जीरा और साथ ही टेस्ट के अकॉर्डिंग हमने ले लिया है नमक। और ये सारे मसाले हम अब ऐड कर लेंगे मिक्सी के जार में। इसके साथ ही हमने खट्टे के लिए लिए हैं 2 नींबू। नींबू के बाद मुझे याद आया कि हमारे घर में पहाड़ी माल्टे भी हैं, तो मैंने नींबू को साइड कर लिया है और ये खट्टे से मैंने माल्टे ले लिए हैं। और अब हम इसे माल्टे को छील के और इसके बीज हम जो हैं अलग कर लेंगे। सारी चीज़ें हमने मिक्सी के जार में ऐड कर लेनी है और साथ ही मिक्सी को कर लिया है ऑन। और इसी के साथ हमारी चटनी बनकर तैयार है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।